सोशल मीडिया साइट पर ये ट्वीट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके अनुसार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, जो कि उत्तर प्रदेश के माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा ये ट्वीट बताई जा रही है और उनके बिहाफ पे ये कहा जा रहा है कि आज शाम के 4 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी वर्चुअल मीटिंग होने वाली है, जिसमें वो 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से बचे पदों को और पहले से जो रिक्त पद हैं उनको जोड़ करके विधानसभा चुनाव से पहले एक भर्ती के लिए प्रस्ताव रखेंगे। दोस्तों, यहां पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये जो भी ट्वीट वायरल हो रहा है ये बिल्कुल फेक है और फर्जी है। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ऐसा कोई भी ट्वीट नहीं किया गया है। अगर इस ट्वीट की टाइमिंग आप देखेंगे तो 8 मई 2021 के रात के 10:22 पे किया गया है, जबकि उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जब आप जाएंगे तो इस समय कोई भी ऐसा ट्वीट उनके द्वारा नहीं किया गया। तो जो भी ये ट्वीट वायरल हो रहा है ये एडिट किया हुआ है और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा नहीं किया गया है और ऐसा कुछ भी अभी विचार प्रदेश की सरकार नहीं कर रही है। वहीं प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करने के संदर्भ में, जैसा कि एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि अभ्यर्थियों के द्वारा डिजिटल रूप से स्ट्राइक किया जा रहा है और प्रदेश सरकार को चेताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपके द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले कोई शिक्षक भर्ती नहीं दी जाती है तो उनकी भी संख्या लगभग 8 लाख से ज़्यादा है और उनके परिवारों को मिला दिया जाए तो एक भारी भरकम वोट बैंक हो जाता है। तो आप यहाँ पर लास्ट वाला कॉलम देख सकते हैं, इसमें स्पष्ट शब्दों में अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि अगर आप विधानसभा चुनाव से पहले कोई शिक्षक भर्ती नहीं देंगे तो ये 8 लाख जो प्रशिक्षु हैं उनके पूरे परिवार वाले आपको वोट नहीं देंगे। आज 9 मई 2021 है और दिनांक 11 मई यानी कि परसों ही यूपी टेट 2020 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने के क्रम में पहले ही शासनादेश जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक ये स्थिति स्पष्ट हो नहीं पाई है कि शासनादेश के अनुसार जो यूपी टेट 2020 का नोटिफिकेशन वो अपने समय से जारी हो भी पाएगा या नहीं, क्योंकि पीएनपी या फिर एनआईसी के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसकी वजह से उनमें भी काम ठप पड़ा हुआ है और परसों अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो पाएगा या नहीं इस पर संशय बना हुआ है। इन सबको देखते हुए अभ्यर्थियों के द्वारा अब पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक कंप्लेंट दर्ज कराई गई है यूपी टेट 2020 के संदर्भ में और उनसे गुहार ये लगाई गई है कि यूपी टेट 2020 के लिए जो ऑफिशियल शासनादेश जारी किया गया था, जिसके अनुसार 11 मई 2021 को नोटिफिकेशन जारी होना प्रस्तावित है, तो अपने समय पर नोटिफिकेशन जारी करने और परीक्षा अपने समय पर कराने के संदर्भ में ये कंप्लेंट और एक तरीके से लेटर प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा गया है अभ्यर्थियों के द्वारा। अभी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती पर कोई भी शासन की तरफ से अपना रुख स्पष्ट नहीं किया गया है कि कब तक शिक्षक भर्ती जारी की जाएगी। जो भी ट्वीट वायरल हो रहा है वो पूरी तरीके से फेक है और यूपी टेट की जहां तक बात की जाए तो अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है कि परसों इसका विज्ञापन जारी होगा या नहीं। तो अफवाहों से दूर रहें और अपनी तैयारी जारी रखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।